हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 9th of May 2022 और 4:30 हो चुके हैं शाम के। और अभी इस वक्त हम जहाँ पे हैं, इट्स HPU का बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। तो मेरे साथ दो जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। इनका नाम है प्रिया कुमारी, शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पार्ट पे। एंड वो नीना ठाकुर मैम हैं, शी इज़ टेकिंग स्पेशलाइज सर्विसेज फ्रॉम लिसनर SD टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और उनका स्टार्टअप इज़ अबाउट लोकलाइज एड डेवलपमेंट, जिसका नाम है माइंड मेकअप कंटेंट राइटिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो फर्स्टली मैं चाहूँगा कि प्रिया विल गिव अस सम ब्रीफ अबाउट उनके बारे में, वो क्या करती हैं। तो प्लीज़ प्रिया। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम प्रिया है और मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरा फोर्थ सेमेस्टर है। अभी हमारा डिसर्टेशन वर्क चलेगा, तो मोस्टली लेबोरेटरी वर्क होगा। फिर एंड में हमें ऑब्वियसली अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, डिसर्टेशन प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिर मेरी MSc ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना करियर का भी थोड़ा प्लानिंग कर लेना चाहिए, तो इसलिए स्टार्टअप का बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर इट। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को, इंक्लूडिंग यू, क्योंकि आप भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल में। तो प्लीज जस्ट किसके बारे में ब्रीफ? अबाउट योर स्टार्टअप, क्या कर रहे हो? मेरा स्टार्टअप बेसिकली थेरापूटिक प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड है और ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे, हो सकता है आइडिया कॉपी हो जाए। मेबी दैट विल बी अ रीजंस। तो नेक्स्ट है नीना ठाकुर मैम, तो प्लीज नीना मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीना ठाकुर और वैसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं ईशान सर के ब्लॉग में। तो आप सभी जानते हैं कि मेरा जो स्टार्टअप है उसका नाम है माइंड मेकअप कंटेंट राइटिंग एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने लिस्नर की हेल्प से ही शुरू किया है। तो आज हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में आए थे क्योंकि आज हमारी स्क्रीनिंग थी, तो यहाँ पर हमारी स्क्रीनिंग हुई है, अब रिजल्ट का वेट है। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप बेस्ट कि सबका हो जाए। बेस्ट होने के कुछ रीजंस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो शायद 12 से 14 या 15 थे, बट उसमें से 8 या 9 आए हैं। तो मुझे ये लगता है, अगर जो प्रोबेबिलिटी, अगर मैं मैथ्स अप्लाई करता हूँ, तो शायद सिक्स एप्लीकेंट्स को कंसीडर किया जाए, तो इनके चांसेस बढ़ गए हैं ड्यू टू जो एप्लीकेंट्स हैं वो कम आने की वजह से। बट अगर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मेट ऑलरेडी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनके माइंड में है, तो वो प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है। और अगर वो कुछ केसेस को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लाइक मैंने जब प्रिया का प्रेजेंटेशन को देखा था, द वे शी इज़ गिविंग अपना ब्रीफिंग, तो अगर आई विल बी अ इनक्यूबेटर और जो हेड एज अ इनक्यूबेटर, तो डेफिनेटली आई विल गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई ऑसम है, यू शुड गो अहेड, एटलीस्ट इस फंड से यू कैन प्रूव योर कॉन्सेप्ट उस पार्ट पे। तो उस तरह के कुछ बेनिफिट देना भी ज़रूरी है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी है। तो जो मुझे लगता है प्रिया रियली डिजर्व वो बेनिफिट। अब नीना मैम के पार्ट पे थोड़ा सा चीज़ें लैक हुई है, तो मैम प्लीज़ बताएंगे क्या लैक हुआ है? वो लैक जो था शायद वो पिचिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, मैं शायद ठीक से पिच नहीं कर पाई, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, अदरवाइज वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम टू डेफिनेटली विल कम बैक। ऐसा हो गया? यस यस, ओके नाइस, होपफुली होना चाहिए। ऑब्वियसली ये प्रोसेस फिर से जो कंसिडरेशन का जो प्रोसेस है उसको इट विल मेक मोर रेलेवेंट, क्योंकि वंस जो भी आपको इस तरह के अप्रूवल्स देता है वो देखते हैं कि कितना आप में परसिस्टेंस है, कितना परसिवरेंस है टूवर्ड्स योर प्रोजेक्ट, टूवर्ड्स योर वर्क। तो जैसे प्रिया को थोड़ा सा रवि सर ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहा था, तो इट्स एन इनपुट उनके लिए, तो जो लिसनर ने कैप्चर कर लिया, आई ट्राई टू कि भाई वो उसको फिल्टर करें अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से। अब वो उस पर कितना काम करते हैं, कितना डेवलपमेंट करते हैं, इट्स टोटली अप टू प्रिया। तो वैसे भी जो लिसनर का जो टारगेट सेगमेंट है, जो राइट कस्टमर फिट है लिसनर की स्पेशलाइज सर्विस के लिए, वो प्रिया जैसे बडिंग एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस तो थोड़ा सा पता है, बट जो डॉक्यूमेंटेशनल फंडामेंटल टेक्निकल है उसमें दे नीड गाइडेंस, कंसल्टेशन, हैंड होल्डिंग। और हिमाचल का भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि इस चीज़ों को इतने वास्टली पब्लिक जानते हैं, इंस्पाइट बीइंग कि केरला के बाद वी हैव अ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बट वी आर मोर प्रोन इनटू एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट देन एज अ एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट।
तो प्रिया इज अ पोटेंशियल कस्टमर लिसनर की सर्विसेज के लिए, फिंगर क्रॉस्ड ऐसे कस्टमर और ज़्यादा मिले ताकि कन्वर्जन रेट बढ़े. और नीना मैम का सब कुछ बहुत अच्छा है बट वो पिच शायद उतना अच्छा नहीं हो पाया और अब सब कुछ God knows क्या होता है. There's always room for improvement. Yeah. Nice. तो हम improve करते रहेंगे और अगर इस बार नहीं होता है तो obviously perseverance दिखा के next time पक्का करेंगे और थोड़ा अच्छे से improve करके. तो if I as a individual मैं ये पूछूं कि next 2 to 5 year में प्रिया as a entrepreneur काम करेंगे और as a employee काम करेंगे तो उसका क्या answer होगा? इसका answer ये होगा कि मैं entrepreneurship में अगर by chance इस एक वन ईयर के अंदर अंदर आ गई तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. लेकिन अगर बाई चांस नहीं आई, मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी होता है, इनिशियल जर्नी होती है, उसको कंटिन्यू रखूंगी. लेकिन मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम भी सेटअप करना चाहती हूँ एट द सेम टाइम, सो दैट आई हैव अ मतलब कि इंडिपेंडेंट बन सकूं. मतलब बैलेंस बिटवीन बोथ, दोनों में बैलेंस. अगर बाई चांस क्या है, अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ और उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ अमेजिंग आइडिया आया है और उसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जॉब छोड़ के इसके ऊपर फुल फोकस करना चाहूँगी तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. तो नाइस, बहुत अच्छा है. सेम मैम, इफ यू वांट टू ऐड. सी, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आई एम ऑलरेडी 41. तो ऑप्शन सोचने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है. तो अभी फिलहाल मैं टीचिंग जॉब कर रही हूँ. तो अगर मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये जर्नी है मैं इसको चालू रखूँ, तो देखते हैं क्या होता है. तो देखो कितना सही है ना कि मैम आप जॉब भी कर रहे हो और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में भी आप मतलब कि डाइव इन कर रहे हो. ऑल ड्यू टू लिसनर, बिकॉज आई एम बैक बाय लिसनर ओनली, दैट्स आई एम एबल टू स्टैंड हियर. तो देर आर लॉट मोर लर्निंग्स, लाइक आपने कहा कि वो ऑलरेडी प्रोफेशनल कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, वी हैव टू बैलेंस द थिंग्स, सिचुएशन, आइडिया, टाइम, प्लेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएबल्स है जो टिक मार्क करने होते हैं. बट एज अ कलेक्टिव एफर्ट, एज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जो ये हम व्लॉग्स बना रहे हैं, मेरा भी टोटली यही पर्पज़ रहता है, वी विल एबल टू टच मासेस. तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी हैव वेरी लेस सब्सक्राइबर्स बट आई नो दे आर क्वालिटी सब्सक्राइबर्स, लाइक प्रिया कुमारी मेरे सामने बैठे हैं, इवन शी हैज सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल. तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, डू लाइक आवर वीडियोस, शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर जर्नी एज एंटरप्रेन्योर. और प्लीज़ फीड अस विद कमेंट्स, जो हम अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए, तभी हमें एक डायरेक्शंस मिलेगा कि व्हाट वी हैव टू पुट इन अ व्लॉग फॉर अ नेक्स्ट टाइम और क्या चीज़ें हैं जो हम बेटर कर सकते हैं.